राजवीर के सामने शौर्य के रिमोट का बटन दबाते ही जल गया लुटेरा और लुटेरे के शौर्य के पहने हुए जैकेट पर लग गई आग। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवीर अपने भाई शौर्य के लिए लुटेरों को मारा होगा तभी ऋषभ, महेश, सुथरा, राखी, माँ सभी लोग लूथरा हाउस में राजवीर की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि देखो राजवीर को करण अर्जुन की तरह सारी दुश्मनी भुलाकर शौर्य को कैसे बचा रहा है। ऐसा लग रहा है कि करण का दूसरा बेटा और कोई नहीं बल्कि राजवीर ही था जो वापिस इस घर में था उसमें लौट आया। यह सुनकर शौर्य को मन में काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और शौर्य गुस्से में आकर जब राजवीर गुंज सियानी के लुटेरों को मारा होगा तभी शौर्य गुस्से से रिमोट निकालते हुए राजवीर को कहेगा कि राजवीर, तभी राजवीर कहेगा शौर्य तू कर क्या रहा है, रिमोट के साथ अभी तू क्यों खेल रहा है। तभी यह सुनकर राजवीर गुस्से में कहेगा अच्छा मैं रिमोट के साथ खेल रहा हूँ तो देख अभी तुझे ये जैकेट बहुत पसंद था ना। यह राजवीर को कहकर शौर्य रिमोट का बटन अचानक से दबा देगा जहाँ पर महेश, सुथरा, ऋषभ मेन लुटेरों को शौर्य का जैकेट पहने हुए पकड़े होंगे। तभी गुंस यानी कि लुटेरे के पहने हुए शौर्य के जैकेट में आग लग जाएगी जिसे देखकर ऋषभ, करण, राखी, माँ सबके होश उड़ जाएंगे और राजवीर को काफी बड़ा शॉक लगेगा। यहाँ पर जब शौर्य राजवीर के जैकेट को जलता हुआ नहीं देखेगा और खुद के अपने ही जैकेट को जलता हुआ देखेगा तभी शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य अपने ही जैकेट को जलते हुए देख मन में सोचेगा कि ये क्या हो गया, डैम गॉड मेरा ही जैकेट जल गया, अगर ये जैकेट मैं पहना होता तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। और राजवीर जब गुस्से में शौर्य के सामने देखेगा और सबके सामने चिल्लाकर कहेगा कि ये जैकेट लुटेरे का जला है वो किसी ने नहीं बल्कि शौर्य ने ही जलाया है क्योंकि शौर्य ने मुझे मारने के लिए ये जैकेट ली थी और शौर्य ने खुद उसकी जैकेट और मेरी जैकेट को सिलवाने दिया था जिसमें शौर्य ने मेरे यानी कि राजवीर के जैकेट पर बम लगवाया ताकि शौर्य के रिमोट का बटन दबाते ही मेरे जैकेट में आग लग जाए। यह सुनकर ऋषभ, करण के होश उड़ जाएंगे और तभी प्रीता वहाँ आगे आकर शौर्य को अचानक से सो से तमाचा मार देगी और शौर्य से गुस्से में पूछती हुई कहेगी कि शौर्य क्या यह सच है, तुमने मेरे बेटे जैसे राजवीर को मारने की कोशिश की। तभी यह सुनकर ऋषभ, करण, राखी, माँ, करीना बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण प्रीता को कहेगा तुम्हारा बेटा जैसा राजवीर यानी कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या राजवीर तुम्हारा बेटा है। तभी प्रीता बड़ा खुलासा करती हुई कहेगी नहीं, राजवीर मेरा नहीं बल्कि मेरी बहन सृष्टि का बेटा है। यह सुनकर करण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और करण प्रीता को कहेगा सृष्टि को कैसे बेटा हो सकता है, वो तो कभी समीर के साथ एक हो ही नहीं पाई। यह प्रीता, राजवीर हमारा बेटा है, हम दोनों का बेटा, करण प्रीता का बेटा रुद्राक्ष, यह हमारा बेटा रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष ही राजवीर है। यह सुनकर प्रीता को कुछ समझ नहीं आएगा और प्रीता करण को कहेगी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, राजवीर मेरी छोटी बहन सृष्टि का बेटा है। जिसे सुनकर खुद राजवीर खुलासा करते हुए कहेगा हाँ प्रीता माँ, मैं सृष्टि का बेटा नहीं हूँ बल्कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आप ही का बेटा राजवीर यानी की रुद्राक्ष हूँ और शौर्य मेरा भाई है। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता कहेगी ऐसे कैसे हो सकता है। तभी राजवीर पूरे लूथा परिवार के सामने खुलासा करते हुए कहेगा कि हाँ प्रीता माँ, आपको मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ, 20 साल पहले इस घर से जाने के बाद आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपकी याददाश्त चली गई, इसीलिए सृष्टि माँ ने मुझे अपना लिया और आपकी हालत सही नहीं थी इसीलिए माँ बनकर सृष्टि माँ ने मुझे पाला। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और राजवीर प्रीता का ही बेटा है क्या, करण के सामने और पूरे परिवार के सामने प्रीता के सामने असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, और आप करण प्रीता को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको कौन सा करण पसंद है, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।